डियर स्टूडेंट्स, आज हम सप्लीमेंट्री रीडर का पहला चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। टाइटल है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, वह आविष्कारक जिसने अपना किया हुआ वायदा निभाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं थॉमस एल्वा एडिसन साइंटिस्ट की। When you want to read at night, जब आप रात में पढ़ना चाहते हो, you simply press a switch and the electric bulb gives you light, तब आप बड़े आराम से इलेक्ट्रिक जो स्विच है उसको दबा देते हो और इलेक्ट्रिक बल्ब, बिजली का बल्ब आपको रोशनी देता है। Do you know who invented the electric light? क्या आप जानते हैं कि इसका आविष्कार किसने किया था, इस इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार किसने किया था? He was an American named Thomas Alva Edison. वह एक अमेरिकन था, अमेरिका का निवासी था, जिसका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। Even in his childhood, अपने बचपन में भी एडिसन loved to do experiments. एडिसन experiments करता था, उसको प्रयोग करना पसंद था। He was fond of asking questions. उसे प्रश्न पूछना बहुत अच्छा लगता था। And never satisfied till he got the right answer. और जब तक उसे सही उत्तर नहीं मिल जाता था, वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। There are many stories about his childhood. उसके बचपन की बहुत सारी कहानियां हैं। And here are a few of them. और उनमें से यहां कुछ हैं। One day when young Edison was at school, एक दिन जब युवा एडिसन स्कूल में था, the teacher was telling the children a story. तो टीचर बच्चों को एक कहानी बता रही थी अबाउट द बर्ड्स, पक्षियों के बारे में। ही गॉट अप एंड आस्ट द टीचर, वह खड़ा हुआ और उन्होंने टीचर से पूछा, मैडम व्हाई कांट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, मैडम बताइए इंसान पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। अध्यापिका ने जवाब दिया, क्योंकि इंसान के पंख नहीं होते। The young boy thought for a moment. युवा लड़के ने थोड़ी देर सोचा and asked her again. और उनसे फिर से पूछा, but kites have no wings and still we can fly them in the sky. लेकिन पतंग के भी तो पंख नहीं होते, फिर भी हम उन्हें आसमान में उड़ा लेते हैं। All the other boys laughed. दूसरे जो सारे लड़के थे हंसने लगे and the teacher lost her patience. और जो अध्यापिका थी, टीचर थी, उन्होंने अपना आपा खो दिया। शी थॉट द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी, उन्होंने सोचा बच्चा स्टूपिड है, मूर्ख है और शरारती है। एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उन्होंने उसके माता पिता से बच्चे को स्कूल से ले जाने के लिए कहा। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके पिता माता पिता उसको घर ले गए। बट दे न्यू दैट ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, लेकिन वो जानते थे कि वह लड़का मूर्ख नहीं था। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old when this happened. जब ये घटना हुई तब एडिसन केवल 8 साल का था। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर द हिज बेस्ट टीचर, अपनी माँ में एडिसन को सबसे अच्छा टीचर दिखाई दिया। शी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, वह उसके प्रश्नों के सारे प्रश्नों के उत्तर बड़े धैर्यपूर्वक दिया करती थी। एंड विद हर हेल्प, और उनके हेल्प से, उनकी सहायता से और उनके गाइडेंस से, उनके निर्देशन से ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने बड़ी उन्नति कर ली थी। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वह बड़ी बारीकी से, निकटता से चीजों को देखता था। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत सारे प्रयोग करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, हालांकि उसके कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण होते थे, बट ही लर्न ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन वह उनसे बहुत कुछ सीखता था। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, एक दिन वह एक चिड़िया को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, ये जमीन पर उतरी। पिक्ड अप ए फ्यू वॉर्म्स इन इट्स बीक, इसने अपनी चोंच में कुछ कीड़े दबाए। एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इससे एडिसन को एक नया विचार मिला। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, और वो सोचने लगा कि पक्षी या चिड़िया इसलिए उड़ जाती है, बिकॉज इट ईट्स वॉर्म्स, क्योंकि ये कीड़े खाती है।
मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वर्म्स, अगर इंसान भी कीड़े खाए तो वह भी उड़ सकता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट्स ऑन समवन, वह इस एक्सपेरिमेंट को प्रयोग को किसी पर करना चाहता था। ही कॉट होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्म्स, उसने कुछ कीड़ों की लुगदी बनाई, कीड़ों को पकड़ा, बीट देम इनटू ए पल्प, उनकी लुगदी बनाई, एंड मिक्स्ड इट इन वाटर, पानी में मिलाया। ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल, और उसने एक नौकर की लड़की को ये मिक्सचर दे दिया, मिश्रण दे दिया, एंड सेड टू हर, और उससे कहा, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, ये बड़ा अद्भुत मिश्रण है, इफ यू ड्रिंक दिस, अगर तुम इसे पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो तुम पक्षी की तरह, एक पक्षी की तरह उड़ सकोगी, कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी, पीजिए और देखिए। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी लड़की ने उसका विश्वास कर लिया, एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और इस मिक्सचर को पी लिया। वेल, अच्छा, शी डिड नॉट फ्लाई, वो उड़ी तो नहीं, बट शी फेल इन, लेकिन बीमार हो गई। यंग एडिसन्स मदर वॉर्न्ड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, युवा एडिसन की माँ ने एडिसन को समझाया कि इस तरह के मूर्खतापूर्ण व्यवहार, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनको बंद कर दे। वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर, एक दिन वह अपनी माँ के साथ एक मुर्गी फार्म पर गया। देयर ही सॉ ए हेन, उसने वहां एक मुर्गी को देखा, इट वॉज सिटिंग ऑन द एग्स, वह अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, उसने अपनी माँ से इसके बारे में पूछा, एंड शी आंसर्ड, और उसकी माँ ने जवाब दिया, द हेन इज हैचिंग इट्स एग्स, मुर्गी अंडे से रही है, आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, कुछ समय के बाद चूजे इससे बाहर निकल आएंगे, अंडों से बाहर निकल आएंगे। वाई कांट आई हैच एग्स, उसने अपने आप से सोचा, थॉट यंग एडिसन, युवा एडिसन ने सोचा, मैं क्यों नहीं अंडे से सकता। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट ए डजन एग्स, अगले सुबह को उसने दर्जनों अंडे मंगाए, एंड सेट ऑन देम, और उन पर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद वह उठा, बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसे कोई भी चूजा नहीं मिला। He had only smashed the eggs. उसने केवल अपने अंडे तोड़ दिए थे, and spoiled his shorts, और अपना नेकर खराब कर लिया था। He got a good beating from his mother that day. उस दिन उसकी माँ की तरफ से उसकी बहुत पिटाई हुई। और really funny boy, बड़ा मजाकिया लड़का था, वजन ठीक क्या था, नहीं। He failed in all these experiments. वह इन सारे प्रयोगों में फेल हो गया था, असफल हो गया था, but he had learned something from them. लेकिन उन एक्सपेरिमेंट से, उन असफल प्रयोगों से उसने कुछ ना कुछ सीखा था। ही हैड लर्न दैट हिज आइडियाज वर रॉन्ग, उसने ये सीखा कि उसके जो विचार थे वो गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह पुस्तकें पढ़ने का, एंड रीड ए क्वाइट लॉट ऑफ देम, वह पुस्तकें पढ़ने का शौकीन था और बहुत सारी मात्रा में पुस्तकें पढ़ता था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर बुक, एवरी बुक ही रेड, एक बुक के लिए जो वो पढ़ता था उसके पिता उसे 25 सेंट दिया करते थे। He read widely and with the pocket money he got, वह पुस्तकें पढ़ता था, जो कुछ पॉकेट मनी उसे मिलता था, he bought more books, उससे और ज्यादा पुस्तकें वो खरीदता था, and set up a small laboratory, और उसने अपनी एक प्रयोगशाला भी स्थापित, छोटी सी प्रयोगशाला भी स्थापित कर ली थी। His mother encouraged him and helped him in his experiments, उसकी माँ उसका हौसला बढ़ाती थी और उसके प्रयोगों के काम में उसकी सहायता करती थी। आफ्टर सम टाइम एडिसन फाउंड दैट ही नीड मोर मनी, कुछ समय बाद एडिसन को लगा कि उसे और ज्यादा पैसे की जरूरत है टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए। एंड ही वॉन्टेड मोर बुक्स एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, और उसे और ज्यादा पुस्तकों की जरूरत है क्योंकि जितनी सारी पुस्तकें उसके घर पर थी वह उसने सब पढ़ ली थी। ही वॉन्टेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपल, वह बाहर जाना चाहता था, नए स्थानों को देखना चाहता था, नए लोगों से मिलना चाहता था। ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, नई पुस्तकें पढ़ना चाहता था और अपने ज्ञान में सुधार करना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे, इसलिए उसने रेलवे में एक जॉब करने का तय किया। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, पहले तो उसके माता पिता को उसका यह विचार पसंद नहीं आया, क्योंकि जस्ट एज ही वॉज 12 years old, क्योंकि वह अभी केवल 12 साल का था। बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव अप देम गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजन, लेकिन जब अपने निर्णय के लिए उसने अच्छे तर्क दिए तब वो तैयार हो गए। सो एडिसन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय, इसलिए एडिसन एक
अखबार बेचने वाला लड़का बन गया एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डिट्रॉयट, और डिट्रॉयट जाने वाली ट्रेन में वह अखबार बेचने लगा। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, उसने अखबार बेचे, स्वीट्स बेची, फ्रूट्स बेचे एंड अर्निंग $2 ऑन द फर्स्ट डे, और पहले दिन उसने $2 कमाए। ही सेड टू हिज मदर एट सुपर दैट नाइट, और उसने शाम के वक्त रात्रि में भोजन कर के वक्त जो है अपनी माँ से कहा, टेक दिस डॉलर मदर, माँ ये डॉलर लो, एवरी नाइट आई शैल गिव यू ए डॉलर फ्रॉम व्हाट आई अर्न, कि हर रात मैं आपको $1 दिया करूंगा जिससे मैं कमाऊंगा उसमें से। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वायदा निभाया भी। आज के लिए इतना ही, यू विल स्टडी लेटर टुमारो फर्दर, दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।